हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की भर्ती आपकी आने वाली है। राजस्थान पुलिस भर्ती संबंधित हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। राजस्थान पुलिस की भर्ती आप सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11,000 पदों के लिए घोषित किए हैं और आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। उसके लिए पाठ्यक्रम होना बहुत ही ज़रूरी है। विस्तार से पाठ्यक्रम हम आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों, अब ये सबसे पहले भर्ती कब आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, जून और जुलाई के अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी, 100% आ जाएगी। उसके अंदर जो 11,000 पद होंगे पूरे राजस्थान के लिए, और अगर दूसरा स्टेट से भी आप फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। तो पार्ट्स नंबर ए की बात करेंगे, यानी पार्ट्स ए होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो मेरिट है वो मायने रखता है। सबसे बड़ी जो कट ऑफ है वो मेरिट है, वो सबसे ऊपर परफेक्ट और सटीक बनाने के लिए काम आता है। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 30 होंगे और टोटल ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो भी 30 होंगे, टोटल ऑफ नंबर 30 हैं। यानी 1% आप सही करेंगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और 1% गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। और फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था, उसमें भी आपको बताया, मैं एक एक टॉपिक का वीडियो आपको बताकर बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये मैं पूरा टॉपिक्स आपको समझाऊंगा कि क्या टॉपिक है। तो बजट के अंदर 2019 का बजट है, उनमें से रक्षा विभाग के द्वारा जो 12,000 1,000 कांस्टेबल और 1,000 SI के पद शामिल किए गए, उसमें से हम बात करेंगे आज का फुल डिटेल। फॉर न्यू सिलेबस की बात करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस और मैथ के सिलेबस की सूचनाओं की हम बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो आपको नीचे लाल बटन मिलेगा, वहाँ से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी है उसे भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और सही और सटीक जानकारी भी मिलती रहेगी। और अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रीजनिंग का कोर्स शुरू कर दिया जाए तो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग की एक सीरीज शुरू की जा रही है, तो आप हमें ज़रूर बता दीजिए। और अगर NTPC और रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस और SSC MTS किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारी टीम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उनके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट्स ए की बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है वेज आरे का, जैसे ये दे दिया लड़की, ये दे दिया पुरुष और ये दे दिया गर्ल। तो वेज आरे के इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या होता है वेज आरे। जैसे दे दिया कि डॉक्टर हैं, उसके बाद में पढ़े लिखे हैं और इनमें से अलग है, यानी इस प्रकार से वे नारे पूछ लिया। दिशा से संबंधित उत्तर की दिशा पूछ ली, दक्षिण की दिशा ज्ञात भी करना है उससे पूछ लिया। ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशन के भी प्रश्न आते हैं, तो ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, और देखिए अब है जो विजात या असंगत, यानी आपको चार ऑप्शन दे दिया, इसमें दिया ए, उसमें दे दिया उसमें दे दिया ओ, उसके बाद में दिया आई और उसके बाद में दे दिया के। तो इन चारों में से विज्ञाते ने अलग कौन सा, तो इसमें के अलग हो जाएगा, क्योंकि के आपका क्या है, एक व्यंजन है, बाकी ये तीनों क्या है, एक स्वर के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए संख्याओं की बात करते हैं, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और खाली जगह क्या आएगा, तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से श्रृंखलाओं से भी कार्यरत मैट्रिक है। उसके बाद देखिए मैट्रिक के प्रश्न है, बॉक्स वाले कॉलम मैट्रिक और बॉक्स मैट्रिक भी आते हैं। जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया, आप रीजनिंग करेंगे तो उसमें से आपको बता दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हर जगह 8, तो यहाँ क्या आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन। लुप्त संख्याएं अक्सर, अगर आपको दे सकते हैं लुप्त संख्या, जैसे 8, 4 खाली जगह 1, तो ये आप फिर दे दीजिए ABC खाली जगह, तो ये आपके अक्षर से भी आ सकते हैं वर्णमाला, और या फिर कुछ संख्याओं से भी आ सकता है। पासा, घन और पासा, और ये आपको ध्यान रखा घन, घना और पासा, इनसे भी बहुत अच्छे परीक्षा के अंदर सवाल बनते हैं। तो भी ये परीक्षा के अंदर पूछे गए घन और घनाप के सवाल 100% पूछे जाते हैं, तो घन और घनाप के ऊपर सबसे ऊपर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ दोस्तों सबसे पहले कथन निष्कर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष के जो पिछली परीक्षा में जो मेरिट बने थी वो कथन निष्कर्ष के ऊपर भी बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद में घड़ी के बारे में, कैलेंडर से संबंधित भी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जल दर्पण और केवल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, शब्दों का तार्किक क्रम, अलग अलग क्रम से भी सवाल पूछे जा रहे थे।
उसके बाद में आकृति काउंट ही करना, जैसे चीज त्रिभुज दे दिया आपको, ये इसमें आकृति काउंट करो, या फिर इस प्रकार से दे दिया कि इसमें आयत ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो, तो ज्ञात से संबंधित यहाँ पूछा जा सकता है। अशाब्दिक तर्क शक्ति, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अशाब्दिक तर्क शक्ति आपको लाइन से दे दिया हुआ, अलग अलग आपको बताना है कि इसका तर्क शक्ति क्या निकलता है, तार्किक प्रश्न क्या निकलता है, तो ये। उसके बाद में स्पेलिंग संबंधित प्रश्न, यानी आपको एक बड़ी स्पेलिंग दे देते हैं और इनमें से बता दिया जाता है कि स्पेलिंग नहीं बनती है या बनती है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे दे सकते हैं, या कौन सी इनमें से बनती है या कौन में से इनमें नहीं बनती है। उसके बाद में देखिए हाथ मिलाना या उपहार देना, यानी अन्य महत्वपूर्ण के अंदर ये सवाल आते हैं, हाथ मिलाना है, गायों के पैर कितने होते हैं, मुर्गियों के पैर कितने ज्ञात करने, इस प्रकार से। और उसके बाद में आता है आपका कर्म परीक्षण, उसके बाद में डाटाबेस, उसके बाद में व्यवस्थित बैठक व्यवस्थितीकरण। तो यहाँ आपको ये डिफेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपके जो चार टॉपिक है वो बहुत बार सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत ही यहाँ पर सवाल पूछे जाए किसी ने, ये जो आपके मैंने आपको 22 टॉपिक बताए, 22 टॉपिक में से आपके दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ 25 सवाल क्लियर होते हैं और 5 सवाल मैथ की बात करेंगे, मैथ के जो टॉपिक्स हैं उनकी मैं बात करूँगा, मैथ के टॉपिक्स ही। तो दोस्तों मैथ के टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका आता है प्रमुख रूप से ये 5 टॉपिक्स हैं, 5-7 टॉपिक्स हैं। देखिए मैं आपको बता, 9 टॉपिक, देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपके गणित की बात करते हैं, इसमें औसत एवरेज के टॉपिक्स, उसके बाद में लाभ हानि टॉपिक, अनुपात, देखिए लाभ हानि टॉपिक, अनुपात समानुपात के और प्रतिशत के टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपकी जो सरलीकरण है, संख्या पद्धति और सरलीकरण, आयु संबंधित, रेलगाड़ी संबंधित और समय, चाल दर और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ से सवाल पुटअप होता है। दोस्तों अगर आपका राजस्थान पुलिस का पूरा विस्तार से ये जो सिलेबस आपने मैंने आप बताया केवल पार्ट ए के लिए बताया, ओनली फॉर पार्ट ए के लिए मैंने आपको बताया, पार्ट बी के लिए भी हम जल्दी से अपडेट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये पाठ्यक्रम सही है या नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पिछली कितनी भी भर्ती है उनमें 100% यही पाठ्यक्रम आपका रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिजिकल के अंदर परिवर्तन हो सकता है लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब की बार भी यही होने वाला है कि पूरा जो सिलेबस में जो आपका पार्ट ए के अंदर 30 आएंगे क्वेश्चन, उसके बाद पार्ट बी के अंदर भी 30 आएंगे और उसके बाद पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे, तो 60 आपके 30 नंबर के हो जाएंगे, ये आपका 15 नंबर का हो जाएगा, ये आपका 30 नंबर, कुल कितने का होगा, 75 नंबर का आपका पेपर पैटर्न होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि कुल पैटर्न है वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। तो अब आपकी भर्ती से रिलेटेड बहुत ही जो चर्चा के अंदर होगा कि भर्ती कब आ रही है, कब नहीं आ रही, तो दोस्तों भर्ती का इंतजार ना करें। अगर आपकी अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी है कि मुझे केवल राजस्थान पुलिस के अंदर ही जाना है, तो राजस्थान पुलिस की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से भी शुरू कर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ आज से शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी सलाह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ आपके लिए सब कुछ करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे राजस्थान पुलिस के रीजनिंग के टॉपिक्स करवाने, कोर्सेज करवाने, तो मैं एक एक वीडियो बना के हमें आपको सभी को डिटेल के साथ में वीडियो बना के बता दूंगा, एक एक टॉपिक का पूरा खबर है। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे हमने मैं आपको बता देता हूँ एक एक टॉपिक का, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे वेन आर आई के वीडियो बनाना, तो वेन आर आई के मैं एक अच्छी तरह से वीडियो बनाकर, यानी 15-20 मिनट का वीडियो बनाकर पूरा डिटेल राजस्थान पुलिस के लिए बता सकता हूँ। दिशा से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उस प्रकार से भी मैं वीडियो आपको बनाकर बता सकता हूँ। और दोस्तों जिस प्रकार से आपको मैं आपको बता देता हूँ, दिशा के अंदर भी 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, रक्त में भी 5-6 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी बनते हैं, विचार से संबंधित बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पास घन और पासा, पासा की बात है तो पासा के अंदर भी लगभग 6-7 प्रकार, 7-8 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घन गणना में से आपको सूत्र याद करने होंगे और इनसे भी सवाल बन सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए घड़ी के अंदर आप देखेंगे तो घड़ी के अंदर दोस्तों 9-12 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, 9-12 प्रकार के क्वेश्चन, और कैलेंडर के अंदर भी लगभग 8-10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न भी आ सकते हैं। और आप जो दर्पण है और जल दर्पण के अंदर भी 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तार्किक शब्द नॉर्मल होता है, और इनमें से जो मैं आपको बता दूं
लोकोक्तियाँ वगैरह हाथ मिला, इनमें से जिन हाथ मिलाना उपहार देना, इनमें भी चार से छः प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में बैठक व्यवस्था के अंदर आराम से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इनमें से दो से तीन प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे टेबल पर आपको टेबल पर बैठा लिया है, या फिर एक चारपाई के ऊपर बैठा लिया, या फिर गोल बैठा लिया, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते जाते हैं। और मैथ्स में आप सभी को पता नॉर्मल है, तो इस टॉपिक में अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। नए अपडेट पे फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।